हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन इस वीडियो के अंत तक याद करवाने की गारंटी लेते हैं। अगर इससे पहले वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं जो 40 प्रश्न पे ऑलरेडी बना दिया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ पे एक लिंक मिलेगा 2023 टॉपर बैच पॉलिटिकल साइंस का, आप देख सकते हैं। मन नहीं करे देखे के नहीं, वो देख सकते हैं, नहीं देखेंगे तो हमरो कोनो घाटा नहीं है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कि प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष राजतंत्र कहने का मतलब है जहाँ पे जनता डायरेक्टली अपने शासक का चुनाव करती है, ठीक है। डायरेक्टली कहे के मतलब जो है जनता कह देती है कि ई हमर जो है राजा बनेंगे तो राजा वो बन गए, ठीक है। डायरेक्टली कोनो वोट उट नहीं होता है और इसमें जो है जितना भी जो है शासन का जो है बागडोर होता है वो जनता के हाथ में पूरा शक्ति होता है कि जिसको वो चाहेगा उसको राजा बना देगा, उसको जिसको चाह दिया वो उसको गरीब बना देगा। तो वहाँ होता है प्रत्यक्ष राजतंत्र। प्रत्यक्ष राजतंत्र कहे के मतलब कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजा का चुनाव करना ही प्रत्यक्ष राजतंत्र कहलाता है। वोट दे के नहीं, डायरेक्ट राजा का चुनाव करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि पंचशील सिद्धांत क्या है। तो पंचशील सिद्धांत जो है 5 विदेशी नीतियों का जो है बनाया गया एक सिद्धांत है, जिसका पहली बार प्रतिपादन जो है 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। इसमें 5 ऐसे सिद्धांत हैं कि अगर सब देश जो है इस सिद्धांत को माने तो कभी भी कोनो देश से किसी भी देश का जो है कोनो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो पंचशील सिद्धांत क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशी नियमों को जो है विदेशी सभी देशों को सुव्यवस्थित करने का जो है 5 नियमों का एक सिद्धांत है, जो आपको जो है नोट्स में मिलेगा। जो अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जो है जितने भी क्वेश्चंस हम करवाए हैं या आगे करवाएंगे, लगभग हम जो है आपको पॉलिटिकल साइंस में 100 को जो है शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, जिन्हें हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और 30 जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे जिसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर मेहनत किया गया है। 2023 के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है 101 रुपीज। तो 101 रुपीज आप पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर भी है, पेमेंट नंबर भी है। ये नंबर है 9608339424, ठीक है। तो इस नंबर पे जो है पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है अपना डिटेल्स के साथ, इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब एक सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस के लेते हैं तो 101 रुपीज़ पे करना होता है, लेकिन आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होगा, है कि नहीं। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सपोज दैट ये 3 सब्जेक्ट है आपका, तीनों सब्जेक्ट का आप एक ही साथ लेते हैं, 50 रुपये का डिस्काउंट होगा, यानी कि 253 रुपये में जो है 3 सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। पेमेंट करने के 5 मिनट के अंदर जो है आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर जो है पीडीएफ भेज दिया जाता है। ये रहा बिजनेस के बात। बिजनेस से अच्छा पहले पढ़ाई कीजिए, तब बिजनेस सीखिए, है कि नहीं। चलिए 43 नंबर, भारत के परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। भारत के परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत जो हैं वो बहुत ही आसान है। भारत कहता है कि हमर ई सिद्धांत है कि हम किसी भी देश पर जो है परमाणु से रिलेटेड कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई देश हमनी पे हमला करता है तो अपन सुरक्षा के लिए हम अपन परमाणविक यंत्र का, यानी जो भी परमाणु से रिलेटेड बम जो भी बनाए हैं उसका प्रयोग करेंगे। यही सिद्धांत है कि हम किसी को बिना जो है कुछ कहले नहीं मारेंगे, लेकिन अगर सामने वाला हमको जो है उकसाता है तो हम एकदम लतियाएंगे। ये जो है भारत का परमाणविक सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय तापन क्या है।
भूमंडलीय तापन कहने का मतलब कि पृथ्वी का तापमान जो है एक समान हो जाना है। आप पृथ्वी पे देख रहे होंगे कि आए दिन जो है अलग अलग गैसों का मिश्रण जो है उत्पत्ति हो रहा है, जैसे कि गाड़ी से गैस, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है अलग है, पेड़ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो अलग है, हाइड्रोजन निकल रहा है वो अलग है, बहुत सारी गैसों का जो है मिश्रण हो गया है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है पूरे विश्व के पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है, यानी उच्च हो गया है। इसी तापमान को कहा जाता है भूमंडलीय तापन। अब नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें कि तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1961 में हुआ था। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन है जो मानव के अधिकारों और स्वतंत्रता की जो है रक्षा करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है पूरे विश्व का, यानी इंटरनेशनल एक संस्था है जो मानव के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और मानव को मानव अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं उसके लिए जो है उसे सिखाता है, और मानव के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य है। इसकी स्थापना जो है 1961 यानी कि 1961 में जो है हुआ था। अब सार्क के उद्देश्य बताएं। सार्क के अगर इंग्लिश में लिखा जाता है तो SAARC, फुल फॉर्म की बात करें तो S से होता है साउथ, A से होता है एशियन, फिर A से होता है एसोसिएशन, फिर R से अगर बात करें तो रीजनल होता है, और 4 कॉर्पोरेशन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल 4 कॉर्पोरेशन, 4 यहाँ पे हाइड है, ठीक है। अब जो है सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बात यहाँ पे ये है कि सार्क का उद्देश्य बताएं, आखिर इस सार्क जो है काहे ला बनावल गया था, एक उद्देश्य क्या था। तो सार्क के एक एक तीन चार गो उद्देश्य थे जो हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। पहला उद्देश्य कि साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं सबको जो है समान अधिकार देना चाहता था। दूसरा, साउथ एशिया के सभी लोगों को जो है विकास करवाना चाहता था। तीसरा, साउथ एशिया के सभी लोगों को जो है क्षमता उनमें जो है उत्पादन करना चाहता था कि कौन आदमी कितना क्षमता तक काम कर सकता है। काहे कि सब आदमी की क्षमता जो है अलग अलग होता है, हर एक फील्ड में अलग अलग होता है। तो यही काम करता है सार्क, फुल फॉर्म का होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन, स्थापना 1985। ये जो है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में, ठीक है। सार्क, अब सार्क जो है 8 दिसंबर को 1985 में जो है ढाका में इसकी स्थापना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार क्या है। ढाका मतलब कि छैटी वाला ढाका नहीं, ढाका राजधानी है, किसका राजधानी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार क्या है। समानता में जो होता है कि जितना भी व्यक्ति है उसको समान अधिकार देना, किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं करना ही समानता का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है मान के चलिए निम्न कोटि के हैं, कोटि मीन्स निम्न जाति के हैं, और कोई जो है उच्च जाति के है, तो सरकार कहेगा कि हम उच्च जाति अलग के हाई सुविधा दे रहे हैं, निम्न जाति अलग के नहीं देंगे। तो यहाँ पे समानता अधिकार का पालन नहीं हो रहा है। जब सबके लिए समान कार्य किया जाता है वहाँ कहल जाता है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार जो है भारत के संविधान के 14वें अनुच्छेद में जो है वर्णित है कि आप जो है समानता का अधिकार के लायक हैं, ठीक है। तो ये सब बात जो है सिंपल है, जैसे पॉलिटिकल साइंस तनी मनी भारी काहे लगता है, अनुच्छेद जो होता है वो तनी मनी इसको भारी बना देता है, लेकिन अनुच्छेद में ही मजा है। अनुच्छेद आप पढ़िएगा तो आप अपने अधिकारों के बारे में जान जाइएगा कि एक्चुअल में भारत में हम हैं तो हमारा क्या क्या अधिकार है, ठीक है। अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ एगो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संघ मतलब संस्थाएं ही हम बोल सकते हैं। इनका काम का है कि विश्व में शांति बनाए रखना।
जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना जो है सभी देशों में इनका काम है कि सब शांति बना के रखे, सभी देशों की सुरक्षा करना इनका काम है, सभी देशों का जो है विकास करना इनका काम है, बहुत सारे इनके काम हैं। लेकिन ये मोटा मोटा आप याद रखिएगा कि सभी देशों की सुरक्षा करना, सभी देशों का विकास करना है कि नहीं, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि नहीं, उद्देश्य खाली पूछा है आपसे। अब जो है प्रदूषण से आप समझते क्या हैं बताइए, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है ये, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं सर? प्रदूषण कहे का मतलब कि हमारा पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, यानी कि पर्यावरण में कुछ गंदे पदार्थों के मिश्रण से जो पर्यावरण में दूष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जो है पेड़ से निकल रहा है शुद्ध है, ओकरा में हमने के जो है ये गाड़ी के धुआं जो है मिला रहे हैं, प्रदूषण है कि नहीं। पानी जो है आ रही है नदी से शुद्ध रूप में आ रही है, हमने के जाके ओकरे में जो है मलमूत्र जो है दहा रहे हैं, प्रदूषण है सर, है कि नहीं। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक जो है एक प्रकार की रिपोर्ट है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास सूचकांक जो है एक प्रकार की रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है जो मानव लोग होते हैं उनकी कितनी जो है जीविका, यानी कि कैसे वो जी रहे हैं, कितना शिक्षा ग्रहण किए हैं और कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, वही इस रिपोर्ट में होता है मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक का है तो एगो जो है रिपोर्ट है, और कैसा रिपोर्ट है? तो वार्षिक रिपोर्ट है, साल भर में एक बार आता है। काहे लाता है? तो मनुष्य के आय, शिक्षा एंड जीविका के बारे में बताता है। पॉलिटिकल साइंस के 10 प्रश्न हमने आपको करवाए, कौन प्रश्न नहीं था जो आपको याद नहीं हुआ होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सिंपल प्रश्न को जो है जब आप याद करते हैं सिंपल तरीका से, तो इसको आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक को जो है इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, और आपका पहुंचाना ही जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए। मदद करे से जो है मदद मिलता है, ठीक है। वीडियो देखें, अच्छा लगा है उसके लिए शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।